हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप दुबे। फ्रेंड्स, ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो है ये बॉलीवुड को एक्सपोज करेगी, बॉलीवुड के बारे में है और थोड़ा सा आप बॉलीवुड की जगह पर कौन सी मूवी देखेंगे, किस तरफ जाएं, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि मुझे अगर मैं बॉलीवुड नहीं देखूंगा तो मेरे पास में ऑप्शन क्या है, फिर हम क्या देखें, कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बॉलीवुड की जगह पे आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही बॉलीवुड का अपने पास में कुछ भी नहीं है। उनकी जो भी बड़ी फिल्में हैं वो रीमेक हैं, तमिल से, मलयालम से, तेलुगु की फिल्में जो हैं उन्हें रीमेक करके बनाया गया है। जिसमें आपको कुछ फिल्मों का नाम भी बताऊंगा, सिंघम, गजनी, बॉडीगार्ड, नो एंट्री, तेरे नाम, वांटेड, जुड़वा, ये सारी फिल्में साउथ की हैं, बॉलीवुड ने उनका रीमेक बनाया हुआ है। कॉपी फिल्में क्यों देखोगे, आप ओरिजिनल देखो ना। इनकी सबकी जितने मैंने आपको नाम बताए हैं ये ओरिजिनल फिल्में आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, हिंदी में डब्ड होंगी फिल्मों का नाम, जो कि बॉलीवुड की रीमेक है, साउथ से ली गई हैं, हॉलीवुड से ली गई हैं, उनके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको लिंक भी दे दूंगा, या आप खुद भी गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं आप कि बॉलीवुड के पास में अपना कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल फिल्में देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और जब आप इन चीज़ों को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, मुंबई में तो लगना स्टार्ट हो गई हैं साउथ की फिल्में हिंदी में डब्ड होकर के, और जल्दी ही अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप शो करेंगे, तो ये इन जगहों पे भी यूपी, बिहार, दिल्ली में भी स्टार्ट हो जाएंगी। मेनली दोस्तों, जो कुछ भी हो, आप हो, आपकी वजह से, हमारी वजह से ही ये बॉलीवुड वाले स्टार बने हुए हैं। तो ओरिजिनल टैलेंट को पहचानिए और आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से भाई भतीजावाद का पूरा एकदम से जोरों शोरों से मुद्दा उठा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे से वो फिर से दब चुका है, क्योंकि दोस्तों अब धीरे धीरे ना हमारे ये ना हमारे खून में आ चुका है, ये हमारे खून में बहनचोद की हम सारी चीज़ें भूल जाएंगे, कुछ दिनों तक हमें याद रहेंगे, फिर हम अपना चूतिया हम खुद कटवाएंगे 400 रुपये की टिकट लेकर के, और हम भूल जाएंगे और इसी का फायदा बॉलीवुड वाले ले रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है सिर्फ कि मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को नहीं भूलने दूंगा, बॉलीवुड के भाई भतीजा बात को नहीं भूलने दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बनानी जरूरी थी कि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, सिनेमा घर खुल चुके हैं, इन नया साल आ चुका है, इनके नए मूवीज आएंगे और आप देखने जरूर जाएंगे, क्योंकि अब आप भूल चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत किस तरीके से हुई, किसने मारा, क्या किया। भाई भतीजा वास्ते कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ हमें तब होती है जब एक रियल टैलेंट, जिसमें टैलेंट हो, उसे इग्नोर कर दिया जाए, उसे छाट करके लाइन से बगल खड़ा कर दिया जाए, और एक टैलेंटलेस बंदे को, जो कि टैलेंटलेस बंदा किसी बड़े एक्टर का बेटा है, किसी बड़े एक्टर का भाई है, किसी बड़े एक्टर का भतीजा है, उसको वो जगह दे दी जाए जो जगह है रियल टैलेंट की। उस टैलेंटलेस को जब वो जगह दे दी जाती है तब तकलीफ होती है हमें। भाई भतीजा वास्ते मेनली तकलीफ हमें नहीं है, तकलीफ हमें इन चीज़ों से है। तो दोस्तों, रियल टैलेंट को पहचानिए और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो रियल हो उन्हें देखिए, रियलिटी को देखने के लिए ही आप पैसा खर्चा करिए, टैलेंटलेस को देखने के लिए नहीं। बॉलीवुड दोस्तों ये दिखाते हैं कि सरदार हमेशा बेवकूफ़ होता है, मजाक करता रहता है, कोई सीरियस सीन भी है तो सरदार हमेशा वहाँ मजाक मूड में ही रहेगा, ब्राह्मण जो हैं, पंडित, उठोनी हैं, पाखंडी हैं, उन्हें सिर्फ अपनी दक्षिणा से मतलब होता है, छत्री जो हैं, जो कि देश की शान है, वो गरीबों का खून चूसते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों की जमीनों को हड़प लेते हैं, ना कहीं हर एक जगहों पे कुछ ना कुछ लोग अच्छे और बुरे हमेशा पाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो ठाकुर है वो हमेशा जो है लोगों का खून चूस रहा है, लोगों की ज़मीनों को हड़प ले रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप बॉलीवुड को पहचानिए, इनसे बाहर निकलिए। मैं पूरे बॉलीवुड के खिलाफ नहीं हूँ, जो नए एक्टर हैं,
जो स्ट्रगलर हैं उनकी मूवीज़ को आप देखिए, उन्हें मौका दीजिए। अगर आप उनकी मूवीज़ को देखने जाएंगे तो मेनली मौका प्रोड्यूसर उन्हें देंगे, जो नए एक्टर्स हैं, जो नए एक्टर गए हुए हैं, जो यूपी बिहार से निकल के गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह, जो स्ट्रगल कर करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपकी वजह से ही उन्हें मौका मिलेगा जब आप उन्हें मौका देंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे आज पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में आज क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्यौहार बन चुका है। वो किसकी दिन है? वो बॉलीवुड की दिन है, जो हमारे स्टेट लेवल के त्यौहार हैं, जो हमारे, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, छठ। छठ दोस्तों वही मनाई जाती है जहाँ बिहारी होते हैं। हिंदुस्तान का त्यौहार क्रिसमस नहीं है। आज पूरे देश में अगर क्रिसमस मनाया जा रहा है तो वो बॉलीवुड की देन है। आप जितने भी सीरियल अभी इस टाइम पे देख रहे होंगे, सब में क्रिसमस की तैयारियां जोरों से चल रही होंगी। मैं उनके लिए दोस्तों कहना चाहूँगा, प्लास्टिक का पेड़ यदि ऑक्सीजन देने लगे, प्लास्टिक का पेड़ यदि ऑक्सीजन देने लगे तो क्रिसमस मना लेना, वरना पीपल और तुलसी के पेड़ के नीचे एक दीप जला देना। वीडियो में आपसे एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। एक क्रिश्चियन दोस्त ने कहा कि यीशु हमारे लिए सूली पर चढ़ गए और मर गए, तब से हमारे लिए भगवान हो गए। मैंने कहा, मेरे महादेव भोले नाथ मेरे दुनिया को बचाने के लिए जहर पी गए और आज भी हैं। बॉलीवुड में सलमान खान की इतनी तगड़ी पैठ है दोस्तों कि वो जिसका चाहे उसका कैरियर खा जाए, और इसकी वजह सलमान खान नहीं है, इसकी वजह हम और आप हैं, क्योंकि हमने सलमान खान को ऐसा कर दिया है कि वो जिसका चाहे उसका करियर खा जाए। विवेक ओबराय का करियर सलमान खा गया तो हमने ही वाहवाही करी, वाह भाईजान वाह, ये तो किसी का भी करियर खा जाए यार, इसकी तो बहुत तगड़ी चलती है बॉलीवुड में। दोस्तों सलमान खान को लोग भाईजान भाईजान करते हैं, अरे लौड़क भाईजान यार, उसको आपने बनाया हुआ है भाईजान, और आप ही गिरा सकते हो, कोई दूसरा नहीं। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि इस बार कैसे हैं आप सब, आपने वीडियो देख ली है, यहाँ तक आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, खास करके उन दोस्तों के साथ में जो न्यू ईयर पे मूवी प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, नई वीडियो लेकर आप लोगों के साथ में जल्दी आऊँगा। जय हिंद।